फ्रेंड्स, आई मीता बिश्नोई। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाने वाली हूँ और वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप नर्सरी से पौधे लेके आ रहे, ये टेबल कामनी का पेड़ है और इसमें देखिए एक प्लास्टिक की टोकरी है। ये दिखाती हूँ मैं प्लांट को, देखिए इसको जब हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसकी मिट्टी को हटाएंगे, ये देखिए इसकी रूट्स तो निकल आई है, डेवलप हो गई है, मगर ये देखिए ये एक छोटी सी, ये छोटी सी प्लास्टिक की टोकरी में है। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं इसको पानी में डिप करके दिखाती हूँ आपको। ये टोकरी को निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो रूट्स डेवलप नहीं हो पाएंगी। और इसके लिए हम लोग इसको कैंची से काट के ये टोकरी निकालते हैं, और निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये प्लांट टोकरी में से फ्री कर दिया है, अब इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। कुछ दिन तो ये प्लांट चल जाता है अगर टोकरी लगी रहती है, मगर थोड़े दिन बाद ये एकदम खत्म हो जाता है जब ग्रोथ इसकी ज्यादा हो जाती है। चुका है, इसको कुछ दिन शेड में रखूंगी और फिर उसके बाद इसको ब्राइट लाइट में रखेंगे। इसको बहुत तेज धूप में रखते हैं तो इसकी छोटी छोटी जो टेंडर लीव्स होती हैं वो थोड़ी ब्राउन हो जाती हैं। इसकी केयर और ये है कि इसकी बहुत खास प्रूनिंग भी नहीं करनी पड़ती, बार बार रीपॉटिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट नहीं है, स्लो ग्रोइंग है और अपने आप बॉन्साई की शेप लेता जाता है, बुशी होता जाएगा। तो ये इसमें ईजी केयर है इसकी। पानी का बहुत ध्यान रखना है, जब तक ड्राई ना हो ऊपर का लेयर जब तक इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। बहुत हाई फीडर नहीं है पेरिनियल प्लांट ये। अगर इसको आप खाली साल में दो बार फरवरी और अक्टूबर में फर्टिलाइज करते हैं तब भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। विंटर्स में थोड़ी इसकी केयर है कि इसको बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट या ठंडी हवाओं में ना रखें, थोड़ा शेड में रखें, ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छी शेप ले लेगा। अगर आपको और भी प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।